नमस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, माइंड एंड बॉडी। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, इसको हम सुनने के भाव से मत सुने, इसको हम अपनाने के भाव से सुने। इसके ऊपर हम पूरा धीरे धीरे इसको समझते हैं स्टेप बाई स्टेप, माइंड एंड बॉडी का क्या कनेक्शन है। लेट अस से मेरे को यहाँ पर कोई प्रेशर है, स्ट्रेस है, कोई टेंशन है यहाँ पे किसी भी बात की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आज कोई इंटरव्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंट IAS के इंटरव्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा कोई एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन है। स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में आप रिकोलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या होता था, हाथों में पसीना आ जाता था कईयों के हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, कईयों को बुखार भी आ जाता था, और कईयों को वॉमिट लाइक फीलिंग आती थी। प्रेशर तो यहाँ पर है, टेंशन तो यहाँ पर है, बॉडी में इसका क्यों ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, क्यों ऐसी ये फीलिंग। मेरे केस में मेरे को याद है मेरी बैक शुरू हो जाती थी, मेरी पीठ में दर्द शुरू हो जाती थी। इसके ऊपर आज हम विचार करने वाले हैं। देखिए, ये मैकेनिज्म ऑफ थॉट्स क्या है, थॉट्स का मैकेनिज्म। एक है एक्सटर्नल थॉट्स, एक है इंटरनल थॉट्स। पहले हम एक्सटर्नल थॉट समझेंगे। एक्सटर्नल थॉट क्या मतलब, मैंने कोई विचार लिया, यू नो व्हाट इज द मैकेनिज्म। ये कॉन्सेंट्रिकली वेव्स वाइब्रेशन बाहर की तरफ ये निकलती हैं। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन। देर इज ए कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड EEM, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रेन या हेड को आप टच नहीं कर रहा और आपकी वो वेव्स को कैप्चर कर रहा है। आपकी वेव्स बाहर निकल रही हैं, इट इज़ लाइक ए रिपल इफेक्ट। एक पॉन्ड में, एक तालाब में एक छोटा सा पत्थर डालते हो तो राउंड राउंड जो वेव्स ऐसे गोल गोल निकलती है, इट इज़ समथिंग लाइक वो वेव्स हमारी बाहर वाइब्रेशन निकल रही हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, वो भी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो वो बाहर जाती है, वहाँ पर उसका रिएक्शन होता है। लाइक थॉट्स अट्रैक्ट लाइक थॉट्स, जब मतलब है जो नेगेटिव थॉट मैंने कोई लिया या पॉजिटिव थॉट मैंने लिया, वो नेगेटिव थॉट लिया तो वो प्रकृति में से नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक ए मैग्नेट। रिएक्शन होता है एंड इट कम्स बैक विद इंटेंसिटी। मैंने इधर से फेंका और मेरा 3 to 4 times ये वापस आ रहा है। चाहे वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हिल स्टेशन पर गया, वहाँ पर वैलीज हैं, हिल्स हैं, मैंने इको फैक्ट जैसे हम जिसको बोलते हैं, मैंने बोला हेलो, हेलो बोला, हेलो 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 करके वापस मेरे पास आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पीठ दर्द है, बहुत दर्द है, कैसे ठीक होगी, ठीक ही नहीं हो रही, ये मैं बाहर भेज रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है और ये इसे और इंटेंसिटी की वापस आ रही है। आप ही बताइए कि वो पीठ मेरी यहाँ पर है, वो दर्द मेरी यहाँ पर है, वो कम होगी कि यहाँ से यहाँ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थॉट से बढ़ जाएगी। ये है हमारा एक छोटा सा मैकेनिज्म। जब हम थॉट्स लेते हैं और रेडिएट होता है ये बाहर की तरफ, वाइब्रेशंस हमारी बाहर की तरफ निकलती हैं, इसको हम एनर्जी वेव्स भी कह सकते हैं। अब भाई ये सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, जब हम थॉट्स लेते हैं, एवरी थॉट वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ ट्रांसमिटेड लाइक ए करंट, लाइक ए फ्यूम, लाइक ए एकदम से वो ट्रांसमिट होता है टू 50 trillion सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है सेल्स के बनी हुई है। एवरी थॉट इज ट्रांसमिटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नेगेटिव थॉट लिया, नेगेटिव कोई भी नेगेटिव थॉट लिया, जैसे अभी पहले बात करी है, वो इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए टॉक्सिन कॉल्ड ए कॉर्टिसोल इन आवर ब्रेन। एक पॉइजन है, टॉक्सिन है, अनहेल्दी केमिकल है, एक हार्मोन है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ गोइंग इन टू आवर बॉडी लाइक ए करंट एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जहाँ पर मेरे को शरीर की प्रॉब्लम है वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है। पीठ में है, गर्दन में है, घुटनों में है, कहीं भी है, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो मेरी अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम थी यहाँ पर होगी। सोचने से वो एक पॉइजन, वो पॉइजन का टॉक्सिन का काम कर रही है एंड इट हैज़ बीन मेडिकली प्रूवन दैट वो जो हम थॉट्स जो ऐसे नेगेटिव लेते हैं
एंड दैट इज क्रिएटिंग ए सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेजेस इन आवर बॉडी सिस्टम, हमारे नर्व सिस्टम में, हमारी नाड़ियों में, हमारी वेन्स में छोटी 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 गांठें, जिसको हम गांठें कहते हैं, वो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं और वो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं एंड विच आप आगे बात करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ आवर बीमारीज, इलनेस, एलमेंट्स, द नेगेटिव थाट्स इज द बेसिक कॉज ऑफ आवर एलमेंट्स, जो हमारी बीमारियाँ हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा। एक्चुअल रियल में ये है, अमेरिका में एक बार एक प्रिजनर को डेथ सेंटेंस हुआ और वहाँ के जेल के अथॉरिटीज़ ने आफ्टर टेकिंग सीकिंग द लीगल ओपिनियन उनको बोला गया कि आपकी जो डेथ होगी कोबरा स्नेक से होगी, कोबरा स्नेक से होगी। वो दिन आया जिस दिन उनका ये डेथ सेंटेंस थी, उस प्रिजनर के सामने वो एक केज में दिखाया, उन्होंने एक स्नेक पड़ा है, काफ़ी बड़ा एक सांप था, और उसके वो पट्टी बांध दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल दो नीडल्स उसके यहाँ पर चुभो दी, उसके बाह में या कहीं भी चुभो दी, एंड ही थॉट मेरे को स्नेक ने काटा। कैन यू बिलीव, ही डाइट। वो डाइट बिकॉज ही दे, ये हमारे ब्रेन ने इंटेंस टॉक्सिन, इंटेंस डर का, फियर का वो केमिकल प्रोड्यूस किया, कॉर्टिसोल और भी केमिकल ऐसे प्रोड्यूस किए, और उससे वो डेथ, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पॉइजन मिला। पॉइजन कहाँ से आ गया, दो सुइयों ने प्रिक की थी उसके बांह के ऊपर। पॉइजन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम हियर। इमेजिन वी ऑल आर सो मच पॉइजन, चाहे लेसर इंटेंसिटी में थ्रू नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के टाइम में। देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पेन है पेन, मेरे घुटनों में पेन है, मेरी सर्वाइकल में दर्द है, इधर पीठ में, तो कहीं भी, दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज सफरिंग, भोगना। क्या मतलब हुआ भोगना, उसकी सफरिंग, ओहो ये तो दर्द आ गई, पीठ में दर्द आ गई, मैं तो बेड के ऊपर आ गया, मैं तो सारी उम्र ही ऐसे रहूँगा, मैं तो कहीं जा नहीं सकूँगा, कहीं डॉक्टरों को दिखा रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, हम कीप ऑन मल्टीप्लाइंग सच थॉट्स। वो है हमारी सफरिंग। यू नो व्हाट हैपन्स, जब हम ऐसे थॉट्स लेते हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम कह रहे हैं हम मेडिसिन ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है या बहुत कम फ़र्क पड़ रहा है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से वो दवाई असर करना बंद कर देती है या उसका असर होना बहुत कम हो जाता है, एंड फिर हम कहते हैं मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरे को तो ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है, ये दवाई ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। एक डॉक्टर है, वो उसके चार पेशेंट हैं, चारों को एक ही एलिमेंट है, एक ही इलनेस है, कोई भी है, वो चारों को एक ही प्रोसेस, एक ही ट्रीटमेंट कर रहा है, एक ही मेडिसिन दे रहा है। कोई दो दिन में ठीक हो रहा है, कोई पाँच दिन में हो रहा है, कोई 15 दिन में हो रहा है, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट, दिस इज द रीजन ऑफ द हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे हम इसकी हुई चर्चा को आगे करेंगे आगे एपिसोड के लिए। थैंक यू वेरी मच।